अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, एक ब्रांड का रिव्यू। एक ऐसा ब्रांड जहाँ से मैंने अपने बच्चियों के लिए कपड़े मंगवाए थे, तो वो कपड़े मुझे किस तरह से डिलीवर हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर टू, उनका स्टफ़ किस तरह का था वो आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर थ्री, मैंने ऑनलाइन कैसा देखा था और मुझे डिलीवर कैसा हुआ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और वो सब चीज़ें जो एक ब्रांड के बारे में आप शेयर करनी चाहिए वो मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में। उनका सब कुछ, जो उनका नंबर है, उनके लोकेशन है, हर चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलें आए, मैं आपको शर्ट्स दिखाती हूँ और उनके बारे में मज़ीद आपको सब कुछ बताती हूँ। तो जी जनाब, ये ब्रांड है लेमन टार्ट, जहाँ से मैंने ये शर्ट्स मंगवाई हैं। लेमन टार्ट एक ऑनलाइन ब्रांड है जो कराची से चल रहा है, मतलब कराची में लोकेटेड है, वहाँ से ये इसको ऑपरेट करते हैं। और इसकी आउटलेट कोई भी नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं। ये दो वो शर्ट्स हैं जो मैंने वहाँ से मंगवाई हैं, और जो दोनों शर्ट्स हैं वो मुझे डिफरेंट टाइम पर डिलीवर हुई हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात, इन्होंने मेरे से एक दफ़ा डिलीवरी चार्जेस इसके चार्ज किए थे। तो आइए पहले ये शर्ट दिखाती हूँ। ये इसकी मैंने जहाँ पर ऑर्डर किया था, ये वो इसकी पिक्चर है और ये मुझे डिलीवर हुई है जैसा उन्होंने पिक्चर में दिखाया गया था, एज इट इज़ मुझे डिलीवर हुई है। इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका कलर सब कुछ सेम था। ये इसकी स्लीव्स हैं, आप स्लीव्स के ऊपर भी इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी इसकी हुई हुई है। और मज़े की बात, इसका स्टफ़ भी बड़ा ज़बरदस्त है, कॉटन स्टफ़ में है ये शर्ट्स। और मैंने इसको श्रिंक भी किया है, नॉर्मली कपड़े स्टिच करने से पहले इसको श्रिंक करना पड़ता है जो गर्मियों के कपड़े होते हैं। तो इसको श्रिंक करने के बाद इसका कोई कलर नहीं इसका उतरा, ना कढ़ाई ख़राब हुई है, ना कपड़ा बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो शर्ट था, इसका स्टफ़ भी और इसका सब कुछ बिल्कुल अच्छा आया है, मैं इसे सेटिस्फाई हूँ। और जो लोग कहते हैं जी ऑनलाइन का चीज़ें मंगवाएं तो चीज़ें ठीक नहीं आती हैं, हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, इस शर्ट के मामले में मेरे पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं हुए। तो इसके साथ मैं अब आपको दूसरी शर्ट जो है इसका, उसका भी एक दफ़ा आपको रिव्यू दिखा देती हूँ। ये शर्ट में दूसरी जो थी वो ब्लैक कलर में थी, और इसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये वो पिक्चर है जो मैंने जहाँ से ऑर्डर की थी, और ये इसकी शर्ट है। एम्ब्रॉयडरी वगैरह, कलर, हर चीज़ वही है जो उन्होंने मुझे ऑनलाइन दिखाया था, कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं आई। नॉर्मली होता ही है कि हम ऑर्डर कुछ करते हैं और हमें डिलीवर कुछ हो जाता है, समटाइम्स स्टफ़ अच्छा नहीं आता, लेकिन इनके कलर की भी गारंटी थी, इनके स्टफ़ की भी गारंटी थी, और ओवरऑल मैं इनके सबसे सेटिस्फाई हूँ। इसका भी आप देख लेंगे, इसकी स्लीव्स हैं। और मज़े की बात, जो जितना इन्होंने कपड़ा इसमें मेंशन किया था उतना ही कपड़ा इसमें आया है, बिल्कुल भी कम नहीं। आप स्लीव्स की लेंथ भी देख सकते हैं, नॉर्मल लेंथ है स्लीव्स की। और जो शर्ट्स हैं वो भी एक नॉर्मल लेंथ की शर्ट्स हैं जो इन्होंने वहाँ पे अपने पेज पे जो मेंशन किया हुआ था उसी तरह से मुझे डिलीवर हुई हैं। वो इस तरह से था कि मैंने ये दोनों शर्ट्स इकट्ठी ऑर्डर की थी, लेकिन एक शर्ट इनके पास आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से इन्होंने एक शर्ट मुझे पहले डिलीवर कर दी, उसके इन्होंने मेरे से डिलीवरी चार्जेस लिए जो उन्होंने मेंशन किए हुए थे। दूसरी जो शर्ट थी वो मुझे तकरीबन 3-4 दिन बाद डिलीवर हुई, लेकिन उस पर उन्होंने मेरे से डिलीवरी चार्जेस चार्ज नहीं किए। जो उसकी प्राइस थी उसकी शर्ट की, सिर्फ वही प्राइस उन्होंने मेरे से चार्ज की थी। ये मैं आपके सामने इनका व्हाट्सएप नंबर रख रही हूँ, आप में से किसी ने भी इसके यहाँ से ऑर्डर करना हो आप डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी अपनी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनके बाकी जो कलेक्शन है आप वो वहाँ पर देख सकते हैं। ये नीचे इनकी वेबसाइट मेंशन की गई है, www.lemon.pk, और आप भी यहाँ से अपने जो कपड़े हैं बाय कीजिए, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।